उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के गांव इंदरपुर में एक सिरपिरे भतीजे ने अपने चाचा को घरेलू विवाद के चलते चाकू से मार कर हत्या कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। पूरा मामला थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम इंदरपुर का है, जहां पर एक शराबी भतीजे ने नशे की हालत में मामूली विवाद को लेकर अपने चाचा को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। अब विवाहित मृतक राम अवतार घर में अकेला सो रहा था। इसी बीच आरोपी भतीजा सुरजीत शराब के नशे में घर आता है और फिर चाचा के बद्दी बद्दी गालियां देने लगता है। मृतक राम अवतार इसका विरोध करता है और फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच आरोपी सुरजीत अपने चाचा को चाकू मारकर फरार हो जाता है। सूचना पर पहुंची पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी भतीजे की तलाश शुरू कर दी है। थाना किसनी के इंदरपुर सुजानपुर गांव से कल शाम को सूचना आई कि सुरजीत ने अपने पड़ोस के चाचा की चाकू गोदकर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि सुरजीत और मृतक राम अवतार दोनों बगल के चाचा भतीजा हैं तथा आपस में मित्र भी थे। सुरजीत नशे का आदी है, शराब का सेवन करता है। कल दिन में किसी बात को लेकर आपस में इनका झगड़ा हुआ और उसने चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। मृतक के भाई ने 302 का मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें सुरजीत को नामित किया गया है। टीमें लगा दी गई हैं, जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी।